नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एटीके के ऑल टाइम बेस्ट फॉरेन प्लेयर प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जो प्लेइंग 11 बना रहे हैं वो होगा ISL के फर्स्ट सीजन 5 तक ATK में खेले जाने वाले सभी फॉरेन प्लेयरों को लेके। ISL में ATK के ऑल टाइम बेस्ट फॉरेनर प्लेइंग 11 के फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होंगे, 4-4-2। पहले हम बात करते हैं ATK के गोलकीपर होंगे एपुला एडिल, जिन्होंने ATK के तरफ से 9 मैच खेले हैं। अब बात करते हैं ATK के सेंट्रल बैक, दोनों सेंट्रल बैक के बारे में। तो पहले सेंट्रल बैक होंगे जोसेमी, जिन्होंने ATK के तरफ से 20 मैच खेले हैं, और दूसरे सेंट्रल बैक होंगे हेनरिक सेरेनो, जिन्होंने ATK की तरफ से 10 मैच खेले हैं और 1 गोल किए हैं। अब बात करते हैं दोनों साइड बैक के बारे में। तो पहले लेफ्ट बैक होंगे जोकुब पोदोनी, जिन्होंने ATK की तरफ से 11 मैच खेले हैं और 2 गोल किए हैं। उनके बाद होंगे राइट बैक थ्री, जिन्होंने ATK की तरफ से 11 मैच खेले हैं। अब बात करते हैं दो सेंट्रल मिडफील्डर के बारे में। तो पहले सेंट्रल मिडफील्डर होंगे बोहा फर्नांडेज, जिन्होंने ATK की तरफ से 47 मैच खेले हैं और 2 गोल किए हैं। दूसरे सेंट्रल मिडफील्डर होंगे जावी लारा, जिन्होंने ATK की तरफ से 23 मैच खेले हैं और 4 गोल दागे हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट मिडफील्डर और राइट मिडफील्डर के बारे में। तो राइट मिडफील्डर होंगे समीक दूती, जिन्होंने ATK के तरफ से 26 मैचों में 2 गोल दागे हैं, और लेफ्ट मिडफील्डर होंगे मैनुअल लंजारोटे, जिन्होंने ATK के तरफ से 14 मैचों में 5 गोल दाग चुके हैं। पहले फॉरवर्ड प्लेयर होंगे इयान होम, जिन्होंने 30 मैचों में ATK के तरफ से 18 गोल दाग चुके हैं, और उनके साथ देंगे रॉबी किन, जिन्होंने ATK के तरफ से 9 मैचों में 6 गोल दाग चुके हैं। तो ATK के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हुए। गोलकीपर अपुला एडिल, सेंट्रल बैक जोसेमी और हेनरिक सेरेनो, लेफ्ट बैक जोकिम पुदानी, राइट बैक थ्री, सेंट्रल मिडफील्डर बोआ फर्नांडिस और जावी लारा, राइट मिडफील्डर समीक दूती, लेफ्ट मिडफील्डर मारियो लंजारोटे, दोनों स्ट्राइकर इयान ह्यूम और रॉबी किन। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट बेंच के प्लेयर के बारे में। तो पहले सब्स्टिट्यूट बेंच के गोलकीपर होंगे जुआन कोलेटायुट, जिन्होंने ATK के तरफ से 3 मैच खेले हैं। डिफेंडर जॉन जॉनसन, जिन्होंने ATK के तरफ से 17 मैच खेले हैं और 1 गोल किए हैं। उसके बाद आते हैं मिडफील्डर जोफ्रे, जिन्होंने ATK की तरफ से 12 मैच में 1 गोल किए हैं। अब बात करते हैं फॉरवर्ड प्लेयर कालू उचे, जिन्होंने ATK की तरफ से 11 मैचों में 1 गोल दागे हैं। उसके बाद आते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफेंसिव नाटो, जिन्होंने ATK की तरफ से 31 मैच में 1 भी गोल नहीं किए हैं। उसके बाद आते हैं और एक फॉरवर्ड प्लेयर हिल्डर पुस्तिका, जिन्होंने ATK की तरफ से 12 मैचों में 4 गोल किए हैं। और आखिरी में आते हैं मिडफील्डर लुइस गार्सिया, जिन्होंने ATK की तरफ से 13 मैचों में 2 गोल किए हैं। इन सभी फॉरेन प्लेयर में से आपका फेवरेट फॉरेन प्लेयर कौन है ये हमें बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।